हरियाणा के बहादुरगढ़ में 15 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। परिजनों ने किशोर की हत्या करने का आरोप उसके दो दोस्तों पर लगाया है। वहीं पुलिस ने दो अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गांव रोहद में 15 वर्षीय राहुल की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई है। दोनों आरोपी गांव रोहद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी दोनों आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। आसोदा थाना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के परिजनों ने बताया कि राहुल गांव के ही एक अखाड़े में पहलवानी की प्रैक्टिस करता था। मृतक के पिता राजवीर के अनुसार शाम करीब 7 बजे गांव का एक युवक सचिन उनके बेटे राहुल को बुलाकर ले गया था। इसके बाद राहुल और सचिन गांव में ही मोहित के घर पर गए। रात 10 बजे के करीब सूचना मिली कि राहुल को गोली लगी है। राहुल उन्हें सांपला रोड पर खेतों में घायल हालत में मिला। इसके बाद वो राहुल को लेकर रोहतक PGI गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि इस वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। वही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने दो अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।